किसान खेती तो करते हैं, लेकिन अगर किसी विशेषज्ञ की सलाह को ध्यान में रखते हुए वो फसलों को उगाएं, तो उन्हें कम लागत में ज्यादा मुनाफा हो सकता है। इसी लेकर कोडरमा के कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ डॉक्टर एनके राय ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि फरवरी के अंत में और मार्च महीने में गर्मी की शुरुआती मौसम मूंग और तिल की खेती के लिए सबसे बेहतर मौसम होता है। इस मौसम में इन दोनों फसलों की खेती करने से काफी उत्तम किस्म के फसल का लाभ किसानों को मिलता है। किसानों के लिए ये बेहतर समय है, और जो है किसानों को इस समय जो है दो फसलों को जो है चुनना चाहिए, जो है एक तिल है और जो है मूंग की खेती। गर्मी में दो फसल हम जो है इस हमारे जो हमारी एरिया है इसमें इस हवामान में जो है मूंग की खेती बहुत अच्छा उत्पादन हम जो है ले सकते हैं। गर्मी के मूंग की बात करते हैं, जो गर्मी में हम मूंग और तिल की खेती करते हैं तो ये बहुत क्वालिटी उत्पादन मिलता है दोनों का। तो तिल, जैसे तिल की बात करते हैं तो तिल की अभी बुआई चालू है, तो जिन किसान भाइयों का जो है तिल करने की जो है एक खेत भी खाली है और हमारे बरसात भी हो गई है, तो इसके लिए जो है खेत तैयार करके तिल की बुआई अगर करते हैं तो हमारा मई तक जो है तिल की कटाई हो जाती है। अगर हम तिल का उत्पादन इस सीजन में लेते हैं तो उसमें क्वालिटी अच्छी होती है और उत्पादन की मात्रा बढ़ती है। लगभग जो है एक एकड़ में जो है 3 क्विंटल के आसपास का उत्पादन मिलता है, और उसमें जो क्वालिटी आती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, व्हाइट कलर होता है और कोई बीमारी नहीं आती है, रोग नहीं आता है। इसलिए तिल की खेती एक जो है बहुत ही लाभकारी खेती है, और गर्मी में तो और भी बढ़िया है, क्योंकि जब हम बरसात के सीजन में करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां आती हैं, लेकिन गर्मी में अगर हम तिल की खेती करते हैं तो उसमें लागत कम आती है, उत्पादन अच्छा मिलता है। तो इसलिए एक फसल हम किसान भाइयों से आग्रह करेंगे कि वो तिल की खेती जरूर प्रारंभ करें, और मार्च में जैसा कि 15 मार्च के आसपास हम जो है मूंग की बुआई हमारी स्टार्ट हो जाती है। और मूंग की जो है बहुत सारी वैरायटियां हैं उसमें, जिसमें पीलिया रोग नहीं आता है, ऐसी वैरायटी को हम किसान भाइयों को जो है लेना चाहिए। और मूंग की खेती जो है 60 दिन की खेती होती है, उसमें खाद की मात्रा कम होती है, पानी की कम मात्रा आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मूंग की भी खेती करके जो है किसान भाई हमारे जो है अच्छा उत्पादन जो है लेके अच्छा इनकम कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है गर्मी में दो खेती करके हम अपनी इनकम को अच्छा बढ़ा सकते हैं। किसानों के लिए इसमें जो है करना चाहिए, हमको बुआई से लेकर कटाई तक का ध्यान रखना चाहिए किसानों को। जैसे हम बुआई करते हैं, बुआई के समय हमको अच्छी मिट्टी तैयार कर लेना चाहिए, 2 बार कल्टीवेटर चला के जो है उसमें बुआई करना चाहिए। खाद की मात्रा, जैसे हम कहते हैं कि दलहनी फसल में बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है, तिल में हमको जो है एक एकड़ में जो है करीब 30 से 40 किलो जो है हमको DAP डालना चाहिए, और 15 से 20 किलो यूरिया बुआई के समय अगर हम उपयोग करते हैं तो उसके विकास में अच्छा उत्पादन मिलता है। इसके बाद कुछ कीट आते हैं, तो उसके लिए 1-2 बार जब आते हैं तो उस समय हम उसका कीटनाशक दवा का स्प्रे कर सकते हैं, और इसके बाद जो है जब मेच्योर होता है उस पीरियड में हमको जल्दी कटाई जो है इसकी कर लेनी चाहिए। मूंग के भी केस में है कि मूंग भी जो है मूंग में बहुत ज्यादा खाद की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल हमको एक बार जो है उसको बुआई के समय जो है 15 से 20 किलो पर हेक्टेयर जो है यूरिया की जरूरत पड़ती है, और 30-40 किलो DAP उसमें भी हम अगर डाल के बुआई करते हैं तो उसका विकास अच्छा होगा, उसमें उत्पादन जो है बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। मूंग की अगर करते हैं तो 12 से 14 क्विंटल पर हेक्टेयर उत्पादन मिलता है, मतलब 6 से 7 क्विंटल पर एकड़ उत्पादन जो है अच्छा ले सकते हैं किसान भाई। उन्होंने बताया कि फरवरी और मार्च के मौसम में तिल की उत्पादन क्षमता काफी अच्छी होती है। 15 मार्च के आसपास किसानों को मूंग की फसल की बुआई करनी चाहिए, जो 60 दिन में तैयार हो जाती है। खास बात यह है कि इस मौसम में फसलों में बीमारी लगने का खतरा भी कम रहता है। लोकल 18 के लिए कोडरमा से ओम प्रकाश निरंजन की रिपोर्ट।